जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कल हम लोगों ने स्पीड टेस्ट 10 कर लिया था, अब जो है हम लोग स्पीड टेस्ट 11 की ओर चल रहे हैं। तो बच्चों, स्पीड टेस्ट 11 आपके सामने जो है दिख रहा है, और इसमें तीन क्वेश्चन आगे दिख रहे हैं आपको फ्रंट पर। तीनों क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, इसके बाद जो हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 देखिए और 3 देखिए। तीन क्वेश्चन देखिए, जल्दी देखिए क्या आंसर है, और कॉपी में नोट करिए। पहले तीनों क्वेश्चन आप लोग करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। मतलब एक जो है कंप्लीट साइकिल जो है, एक पूरा चक्कर जो है 40 सेकंड में पूरा करता है। 40 सेकंड लगते हैं और रेडियस जो है आर दी गई है। इसका मतलब ये है कि 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता होगा, जहाँ से चला वहीं पर ये वापस इस तरीके से आ जाएगा। तो 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो, विस्थापन जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पर पूछा गया 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब हो जाएगा, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड। ठीक है, इस 120 को लिख सकते हैं 40 प्लस 40 प्लस 40 और आगे प्लस 20। देखो, इस 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इस 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इस 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करेगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। 120 सेकंड में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ये 20 सेकंड में आधा चक्कर चलेगा। अगर 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है 20 सेकंड में आधा चक्कर, तो ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी। इनको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होगी, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आर प्लस आर कितना होगा, 2R। तो 2 मिनट 20 सेकंड 50 डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2R होगा। ऑप्शन सेकंड सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, एक श्रोता, एक जो है श्रोता है, यन आवृत्ति वाले ध्वनि स्रोत की तरफ गति करता है। देखो यहाँ पर ये मान लो साउंड सोर्स है, और ये जो है ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, साउंड सोर्स है, और ध्वनि स्रोत की ओर जो है गति करता है वीओ वेग से, मान लो। ठीक है, श्रोता का वेग मान लो वीओ है, और अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो है 2n दिया गया है, रियल फ्रिक्वेंसी n दिया गया है, और सोर्स की वेलोसिटी नहीं दी गई। इसका मतलब ये स्टेशनरी है, वी एस बराबर 0। तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है, डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, n डैश इज इक्वल टू n वी माइनस वी ओ अपान होता है वी माइनस वी एस। n डैश की जगह लिखेंगे 2n बराबर होगा n वी माइनस वी ओ। देखो, जिधर जो है साउंड चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है ऑब्जर्वर जा रहा, तो माइनस वी ओ की जगह प्लस वी ओ हो जाएगा, वी प्लस वी ओ अपान वी माइनस वी एस, वी एस जीरो हो जाएगा। एन से एन कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2V बराबर वी प्लस वी ओ, 2V बराबर हो जाएगा वी प्लस वी ओ। तो वी ओ बराबर क्या हो जाएगा, 2V माइनस वी, वी हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है ध्वनि के वेग के बराबर होगा, और ध्वनि का वेग जो दिया गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया गया 332 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड रेज आर, जो कैथोड किरणें होती हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कहते हैं कैथोड किरण। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा, इलेक्ट्रॉन पुंज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 वीडियो को रोक करके सबसे पहले ये चारों क्वेश्चन आप लोग करिए, इसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे। आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से करिए, बाद में सुनिएगा वीडियो को, जो है आप रोक करके जो है सारे क्वेश्चन कर लीजिए। पहले देखिए, ई कूलाम आवेश का एक इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, इसकी ऊर्जा जूल में होगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर चार्ज की जगह दिया गया ई,
और ये आपका वी हो जाएगा ई इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ई इंटू वी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डेसिबल है, डेसिबल इज, पहला ऑप्शन है एक ध्वनि है, दूसरा ऑप्शन है एक ध्वनि स्वरक है, और तीसरा ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, शोर का मात्रक है। तो डेसिबल जो है यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया गया है, y इज इक्वल टू 4 साइन पाई एक्स अपान 15 कॉस 96 पाई टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना क्या है, किसी नोड और उसके पास वाले एंटी नोड के बीच की दूरी, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी जो होती है लैम्डा बाई 4 होती है। तो लैम्डा बाई 4, लैम्डा पहले पता करें, तो जो x के साथ होता है उसे k कहते हैं, तो k इज इक्वल टू दिया गया पाई अपान 15, और k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू पाई अपान 15, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 30, लैम्डा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग अगर 30/4 रखेंगे, 4 × 7 = 28, 2 × 3 = 4 × 5 = 20, 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी वस्तु की वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए तो मोमेंटम दुगना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, और जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी, एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। तो बच्चों वेलोसिटी डबल किया गया, p इज इक्वल टू होता है m इंटू वी, अगर वेलोसिटी डबल किया गया तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, रेखीय संवेग दुगना हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, तीन क्वेश्चन करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने, ऑप्शन जो है यहाँ पर बी करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। इसके बाद जो है 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, देखो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, स्केलर वर्क होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पहले आप क्वेश्चन कर लीजिए फिर हमारी बात को सुनिएगा, डिस्क दिया गया, चक्ति के घूर्णन हेतु गतिज ऊर्जा तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा, कुल गतिज ऊर्जा यहाँ पर टोटल गतिज ऊर्जा मतलब कुल गतिज ऊर्जा, टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो देखो जो रोटेशनल अपान टोटल का अनुपात होता, पहले ये निकाल लेते हैं, रोटेशनल अपान टोटल इज इक्वल टू होता है के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये होता है रोटेशनल अपान टोटल, और टोटल अपॉन रोटेशनल बताना है, यहाँ पर लिखा है कुल गतिज ऊर्जा तथा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो के अपॉन के आर बताना है, तो ये उल्टा कर दो तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, तो अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब डिस्क के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2, के स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू वो कितना होता है 1/2 होता है डिस्क के लिए, तो आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे, 2 और 1 कितना होगा 3, तो 3 × 2 = 1, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, तीनों आप लोग करिए, पहले क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, वीडियो को रोक करके पहले हमारी बात को ना सुनिए, पहले आप जो है उसको अपने आप करिए, फिर इसके बाद जो है सोल्यूशन को देखिएगा। एक वस्तु नत समतल पर लुढ़क रही है, ठीक है, अ बॉडी इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 40% ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पूछा गया बॉडी क्या होगी, के आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर 40% मतलब 40/100 हो जाएगा,
तो 40 बटे 100 इंटू के टी हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, ठीक है। 2 2 जा 4 हुआ, 2 5 जा 10 हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर वी इक्वल टू आर ओमेगा रख दें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर इधर का कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/5 mr², आई इक्वल टू 2/5 mr². तो अगर आई इक्वल टू 2/5 mr² है तो ठोस गोला होगा, सॉलिड बॉल, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है 12 नंबर सवाल है, यदि एक एसी परिपथ में विभव का मान 10 वोल्ट है, इसका मतलब जो भी ये पोटेंशियल दिया गया है ये वी आर एम एस दिया गया है, वी आर एम एस इक्वल टू 10 वोल्ट दिया गया है, वी आर एम एस इक्वल टू होता वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू बराबर 10, तो ये हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू 10√2 हो जाएगा, 10√2 ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है किसी एसी परिपथ में कुंडली का प्रतिघात, मतलब जो कुंडली का प्रतिघात जो एक्सेल होता है वो प्रतिरोध का √3 गुना है, एक्सेल इजिकल टू √3 R, तो कुंडली के सिरों पर विभवांतर और धारा के बीच फेज डिफरेंस बताना है, टैन फाई बराबर होता है एक्सेल अपान आर, एक्सेल इजिकल टू कितना होगा √3 × R अपान आर, आर से आर कैंसिल, टैन फाई अगर √3 के बराबर हुआ तो फाई बराबर कितना हो जाए 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, ऑप्शन पहला सही होगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 करिए, 14 करिए, 15 करिए, 16, 17, 18, 19, पहले सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन करिएगा, फिर डिस्कशन को सुनिएगा। देखिए, किसी शुद्ध संधारित्र की धारिता 1 फैराड है, कैपेसिटी दी गई है, दिष्ट धारा के लिए डीसी के लिए डीसी की फ्रिक्वेंसी क्या होती है 0, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो एक्स सी इक्वल टू होता है 1/ωc 2π fc, ठीक है। अगर डीसी की बात की जाएगी फ्रिक्वेंसी 0 तो समथिंग अपान 0 इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, एसी श्रेणी परिपथ में एसी सीरीज सर्किट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस है आर है और इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ये आपका एक्सएल है और ये आपका एक्ससी है, तो इम्पीडेंस बताना है, प्रतिबाधा चेट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, 14 माइनस जब 10 करेंगे तो 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16, 25, 25 का वर्गमूल 5, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों ने कर लिया होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लैटेंट हीट इच, तो लैटेंट हीट का डायमेंशनल फार्मूला हमको बताना है, तो क्यू इजिकल टू एम एल फार्मूला लगाएंगे, एल इजिकल टू होता है क्यू अपान एम, क्यू की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू अपान मास एम हो जाएगा, ये एम से एम कैंसिल हुआ यानी एम टू द पावर 0 आएगा, एल टू टी माइनस टू, एम टू द पावर 0 एल टू टी माइनस टू, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों ने कर लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 17 कई बार हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। द प्रेशर पी ऑफ एन आइडियल गैस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी ई पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज, तो पी इक्वल टू 2/3 होता, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों ने जनरल क्वेश्चन कर लिया होगा, टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 आवर्स होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी एफ है तो उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो दोनों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वह 2f होती है, डबल हो जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है एक चालक में 4 कूलाम q इक्वल टू 4 कूलाम है, 2 सेकेंड में प्रवाहित होता है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, करेंट हमको बताना है कितनी एम्पियर की होगी, i इक्वल टू होता है q अपान t
फोर अपॉन टू, इसका मतलब टू एम्पियर, टू एम्पियर की करंट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25। ये सभी क्वेश्चन पहले आप वीडियो को रोक करके सबसे पहले अपने मन से करें, इसके बाद डिस्कशन को सुन लीजिएगा। किसी तार का प्रतिरोध आर है, यदि तार की लंबाई खींच कर दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा। जब किसी जो है वायर को खींच करके उसकी लेंथ एन टाइम्स कर दी जाती है तो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश जो होता है एन स्क्वायर इंटू पहले का रेजिस्टेंस होता है, तो दो गुनी कर दी जाती है तो टू का स्क्वायर कितना होगा, फोर, और पहले रेजिस्टेंस कितना था आर, तो फोर आर। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है 12 ओम रेजिस्टेंस का मेटैलिक वायर है, 12 ओम जो है प्रतिरोध का धात्विक तार है, वर्गाकार आकृति में मोड़ा गया स्क्वायर के रूप में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 3 ओम ये होगा, 3 ओम ये होगा, 3 ये तो 3 ये 12 ओम टोटल है, ये सारे 3 ओम के हो जाएंगे। डायगोनल के अक्रॉस जो है हमको बताना है इक्विवेलेंट, तो बच्चों 3 ओम और 3 ओम ये सीरीज में हो जाएंगे 6 ओम, और ये 3 ओम और ये 3 ओम ये भी 6 ओम हो जाएगा, और ये 6 ओम और ये 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो जब जो है पैरेलल की बात की जाएगी तो 6 इंटू 6 अपान 6 प्लस 6 दोनों का प्रोडक्ट अपान दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 जो है 6 इंटू 6 36 बटे 6 6 12 3 ओम आ जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 4 ओम के 3 प्रतिरोध एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ दिए जाते हैं, इस त्रिभुज के किन्हीं दो शीर्षों के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। देखिएगा यहाँ पर 4 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस को इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में मोड़ा जाता है, ये सारे 4 ओम के हैं, ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्नर्स, दो कॉर्नर्स के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ बताना है। तो 4 और 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज 8, और ये 8 ओम और ये 4 ओम पैरेलल हो जाएगा, 8 इंटू 4 बटे 8 प्लस 4 12, 4 एक के 4, 4 तीन 12, 8 बटे 3, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। 6 सेलें हैं, एक जैसी 6 सेलें हैं, प्रत्येक का ईएमएफ 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 6 आइडेंटिकल सेल्स हैं, 6 आइडेंटिकल सेल्स हैं, ये सब पैरेलल में कनेक्ट कर दी गई हैं, इनका इक्विवेलेंट ये मैं बताना, सारे पैरेलल में तो सबका इक्विवेलेंट 6 वोल्ट ही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। 6 वोल्ट ईएमएफ दिया गया, 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया, शॉर्ट सर्किट मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो कर दिया गया, सेल में करंट बतानी है, सेल की करंट आई इक्वल टू होता है ई अपान स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये फार्मूला होता है। शॉर्ट सर्किट मतलब कैपिटल आर जो है जीरो हो जाएगा, और ये जो ई का मान दिया गया है ये 6 वोल्ट दिया गया है, अपान स्मॉल आर 0.5 दिया गया है, और ये पॉइंट से ये जीरो यहाँ पहुँच जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 एम्पियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर ये स्मॉल आर ना दिया गया होता और शॉर्ट सर्किट की बात किया जाता, मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है, तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है कि कैपिटल आर तो जीरो, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी जीरो दिया गया, समथिंग अपॉन जीरो, तो इनफाइनाइट करंट इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है उस समय। यहाँ पर तो मान लो स्मॉल आर दिया गया तो इसलिए ई अपान स्मॉल आर कर देंगे, 12 एम्पियर करंट आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने टेस्ट कर लिया होगा, और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताएं, और बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।